उत्तराखंड के राज्य मार्ग और नेशनल हाईवे की स्थिति क्या होती है, इसकी वानगी तस्वीरों के जरिए कई बार आपके सामने आ चुकी है। हल्द्वानी से लालकुआ तक नेशनल हाईवे 109 पर काफी दुर्घटनाएं होती हैं। इसी को लेकर यहां यातायात पर अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा और कोतवाल संजय कुमार ने नेशनल हाईवे 109 पर संबंधित दुर्घटना स्थानों का निरीक्षण किया, साथ ही स्थानीय पुलिस को दुर्घटना रोकने के लिए दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू स्थित गैस प्लांट के अलग अलग खड़े वाहनों को हटाने और गलत दिशा में चल रहे स्टोन क्रेशर के वाहनों और क्रेशर के खिलाफ कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शहर के मुख्य सड़कों पर दुकानदारों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश भी पुलिस अधिकारियों को दिए हैं। कि मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो एक्सीडेंट रोकना है वो पुलिस की टॉप प्रायोरिटीज में एक है। ये हमारे DGP साहब का भी एक मोटो है कि एक एक्सीडेंट कम से कम हो, ये मानवता का नाते भी जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो एक्सीडेंट कौन पॉइंट्स है जनपद के, उसको आज जितने हो सकता मेरे द्वारा विजिट किया जा रहा है, तथा उसमें ये देखा जा रहा है कि क्या कमियाँ हैं और उनको कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है ताकि एक्सीडेंट पर रोकथाम हो, एक्सीडेंट कम से कम। इससे बार भी देखिए, पहला तो होता है कि जो लिंक रोड है, जो हाईवे मिले स्पीड ब्रेकर लगते हैं, साइनेजेस लगते हैं, इसके अलावा जो मिरर होते हैं, कहने के मिरर्स होते हैं वो लगते हैं, तो वो सब चीज़ें कहाँ किसी की जरूरत है वो अभी देखी जा रही है। जहाँ हमें लगता है कि ब्रेकर की जरूरत है, ब्रेकर काफ़ी हमने बनवाए हैं ऑलरेडी, काफ़ी बन गए हैं, अगर कहीं और बनवा तो वो बनवाएंगे, नहीं तो जहाँ मिरर्स लगेंगे या जहाँ साइनेजेस लगने हैं या कुछ भी लगते हैं कैंसर लगते हैं, जो चीज़ें लगनी है जो हम देख रहे हैं उस हिसाब से आगे हम। ये देखिए, इसमें पहले जो जिम्मेदारी है वो अगर हम देखा जाए तो NHK या PWD की जो रोड बना रहे हैं, साथ ही जो कार्यदायी संस्था उनकी भी रहती है, हम उनसे लगातार टच में रहते हैं। जो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के नेतृत्व में एक सड़क सुरक्षा समिति है, उसकी हर महीने बैठक होती है जिसमें इन सब मुद्दों को उठाया जाता है, उनको नॉलेज में डाला जाता है। लेकिन चूंकि ये सभी की जिम्मेदारी है, सबको करना है, इसी कारण आप समझ सकते हो कि मैं और हमारी टीम पूरी इस निरीक्षण के लिए निकले हैं और सबका एक ही ध्येय इसे रहते हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा दुर्घटना रोकने के लिए हाईवे के किनारे स्पीड ब्रेकर, दुर्घटना बोर्ड, जागरूकता अभियान के साथ साथ चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आई है। वहीं पुलिस अधीक्षक के इस निरीक्षण के बाद सड़क दुर्घटनाओं में अंकुश लगाने में पुलिस को कामयाबी मिलेगी। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए लालकुआ से धर्मेंद्र आर्या की रिपोर्ट।